पंजाब बठिंडा के अंदर जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों के ऊपर अटैक हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्म इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कश्मीर के कुछ सर ये बताएं क्या हो रहा है आपके साथ वहाँ पे? सर हम जम्मू बारी बारी बात करो, आराम से बात करो। एआई इंस्टीट्यूट बठिंडा से हम बात कर रहे हैं, इस टाइम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे मारा गया, जिसमें यहाँ के टीचर उनकी साजिश है, उनने इनको सिखाया कि इनको कैसे टॉर्चर करें। हम मिले जुले बंदे रहते थे इकट्ठे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। यहाँ पे कुछ टीचरों ने इनको बोला आप यहाँ पे लड़ाई झड़ाई करो, इनमें कुछ मसला क्रिएट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है, किस बुनियाद पे शुरू हुई है? सर रियासी वाले टोंके, डिस्ट्रिक्ट रियासी के वाले टोंके, छुरे डंडे लेके तलवारें लेके आए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रूम में और हमें पीटा गया। हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे डेड बॉडी कितने हो गए हैं। तीन चार तो मैंने देखे, उनका सर खत्म है सर, खून बह रहा है। हम अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, हमें दबाया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि आप अंदर बैठो, और हमें कोई भरोसा नहीं है। हम सेफ, हम रात को यहाँ पे सेफ नहीं है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें आपकी अपील, सिक्योरिटी दी जाए, रात को सिक्योरिटी दी जाए और हम सुबह घर जाएंगे। और सर आप पे हमला क्यों हुआ है? सवाल सुन ले, वेट करें। आप लोगों पे हमला क्यों हुआ ये जवाब दे पहले। सर सबसे पहले यहाँ पे किसी प्रधान को किसी के कमरे में इजाजत नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुछ लड़के आए और हमारे रूम में कपड़े फेंक दिए, टोके लेके आए और चाकू लेके आए और हमारे बंदों को पीट दिया। और यहाँ के सर इनसे मिले हुए हैं और हमें बोल रहे हैं कि, और स्टाफ हमें ये बोल रहा है अभी कि अगर हम अपनी पे आ गए तो फिर खेल रहे, धमकी नहीं सर। हम यहाँ पे सेफ नहीं है। हम ये आपके चैनल की वसादत से ये चाहते हैं कि हमें रात को सिक्योरिटी चाहिए, हम सेफ नहीं है। आप इस तरह किस जगह पे हो, किस जगह पे हो आप लोग? स्टूडेंट है यहाँ पे, जितना भी स्टाफ था सर, कॉलेज का जितना भी स्टाफ है, सबने दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हैं। और यहाँ का जो एमडी सर है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम अपने पे आ गए तो फिर देखना। हम कश्मीर के 35 स्टूडेंट है और किश्तवाड़ के सब लोग इस वक्त अब देख रहे हैं सर, ये बाहर बैठे ये देख रहे हो सर। बाकी इस वक्त जितना भी स्टाफ है सर इसका, बाकी सबने दरवाजा बंद कर लिया है, सब अंदर बैठ गए और हम लोग यहाँ पे बाहर हैं। आप स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? क्यों आपके साथ ये हो रहा है? बाकी सर हमने अभी तक ना खाना खाया ना कुछ, आप देख सकते हो सर, आप स्टूडेंट्स का कसूर क्या है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको रूम दिखाता हूँ सर, मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। सर हम बिल्कुल अनसेफ है यहाँ पे सर। सर हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें घर भेजा जाए। खून सर इन पे कोई भरोसा नहीं है, कल हमें खाने में भी कुछ डाल के जहर वहर हमें मार डालेंगे। आप लोगों का कसूर क्या है नौजवानों, आपका कसूर क्या है, क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है? आप लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है, पहले मेरी बात भी तो सुनो।
देखिए भाई काफी ज्यादा बेचारे हालात इनके बुरे हैं, आप देखिएगा कैसे हालात किस तरीके से घंटे लाठी का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों के साथ ये सब क्यों हुआ, पहले सवाल तो सुन लो, आप लोगों के साथ ये सब क्यों हुआ। ये देखिए सर, ये बेहोश पड़ा है भाई, दस हॉस्पिटल में पड़े, दस हॉस्पिटल में ले गए उनको, बिल्कुल सीरियस है। बात सुनो, बात सुनो, ये बिल्कुल सीरियस है। ये देखो सर, इसको होश ही नहीं आ रहा, ये देखो बार-बार कर। भाई मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल तो सुन ले आप लोग, मेरी गुजारिश है एक मिनट खामोशी रुके, खामोश रहकर मेरी बात तो सुने, मेरी 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 अर्ज तो सुने आप लोग, अर्ज तो सुने मेरी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। सर रीजन वही है, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है वो वाले डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वालों के रूम में आए, और एक वहां पे एक आपको मैं दिखा रहा टूल है सर, बड़ा टूल है, वो टूल मांगने लगे, उनका प्रधान आए, प्रधान जो है प्रधान टूल मार रहे, मांग रहा था उनका कपड़े छुपाने का, ये मांग रहा था डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वालों से, जब इनके प्रधान ने मना किया कि हम नहीं दे सकते, हमें खुद को चाहिए, और बोला कि गधे दे दो, ये उनके जो कि डिस्ट्रिक्ट। जी सर बोलिए बोलिए सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अभी, और आप स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं। सर हमें, हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मैत्री के लिए आए हैं, और AI इंस्टीट्यूट बठिंडा में हमें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन से भेजा है। कश्मीर के हम 35 स्टूडेंट, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है सर, नंबर मैं वही बता रहा हूँ सर, टोटल सर जो टोटल स्टूडेंट्स है सर, 800 स्टूडेंट्स है सर टोटल जम्मू कश्मीर के, उसमें से कश्मीर के टोटल 35 स्टूडेंट्स है सर, और बाकी जम्मू सर, के आप पे क्या हथियारों से वार किया गया है, क्या नोकीले हथियार से आप पे वार हुआ है, रियासी डोडा एक मिनट, इनको अलग अलग रखा हुआ है, और ये मसला ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट रियासी वाले हैं वो किश्तवाड़ वालों के रूम में आते हैं, और इनके प्रधान से कहते हैं कि हमें गद्दे दे दो, हमें कपड़े सुखाने का यहाँ पे टूल है वो दे दो, और इनके प्रधान ने मना किया क्योंकि यहाँ पे इनको ऑलरेडी 86 स्टूडेंट्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट खुद को चाहिए, तो उनमें एक बंदा सरदार है और पुंछ का है वो, और एक मिनट इस स्टूडेंट को क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट आपने उठाया हुआ है इसे क्या हुआ है, उनके प्रधान ने जो उनका बड़ा है उनके रूम का, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का जो है प्रधान है इसको पकड़ा और इसको मारने लग गए, और बाकी बंदों को भी मारा, फिर उसके बाद मसला थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ सर, उसके बाद इशा की जब आजान हुई तो कश्मीर के हम जब 35 स्टूडेंट्स हैं और बाकी किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हमारा रूम साथ में है, हम लोग सब नमाज के लिए निकले, जब नमाज से वापस आए सर तो फिर जैसे ही हम रूम में पहुंचे, पहले तो रूम के बाहर ये उन्होंने हमें पकड़ा, कश्मीर के 35 स्टूडेंट्स को बाहर पकड़ा, उनको रूम में नहीं जाने दिया, उनको मारने लगे, और किश्तवाड़ के तब तक अपने रूम में पहुंचे थे, और जैसे ही किश्तवाड़ वालों के रूम में घुसे, जो सरदार था पुंछ का, उसने चाकू निकाला, उसके पास कम से कम 5 फुट का चाकू है, उसने निकाला और कम से कम 10 स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा घायल, नेटवर्क कह रहे हैं वहां पे, और काफी सर, ज़्यादा जो चेयर है, चेयर के जो रॉड होते हैं, रॉड लोहे वाले रॉड, वो निकाले हुए थे और चेयर भी तोड़े सर, मैं आपको चेयर भी दिखाता हूँ, चेयर भी मैंने सर अभी कॉलेज की सिक्योरिटी कहाँ है, रॉड कॉलेज की सिक्योरिटी और फैकल्टी कहाँ है, कॉलेज की सिक्योरिटी और फैकल्टी कहाँ है, कॉलेज की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैं वही बता रहा हूँ सर, जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है सर, मैनेजमेंट पूरा मिला हुआ है सर, और उसके बाद मसला ये, जब मैनेजमेंट को हमने बोला, हम जो प्रधान दो गंदर गए, कश्मीर का मैं प्रधान और दूसरा किश्तवाड़ का में बुलाया गया,
मैनेजमेंट में जब हमें बुलाया गया तो उन्होंने बोला, एक मिनट रुको, उन्होंने बोला कि आप, हमें एफआईआर दर्ज करूंगा और इनको रेस्टिगेट करूंगा। जब उनको हॉस्पिटल को 10 जो 10 बंदे हैं जो घायल किया गया है उनको हॉस्पिटल लिया गया, और वहां से जब एमडी सर वापस आए उन्होंने बोला कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, एफआईआर दर्ज हो गई है। हमने कहा आप रूम में बैठे, उन्होंने बोला, हमने बोला हम तब तक नहीं बैठेंगे क्योंकि हम सेफ नहीं है, अगर रूम में घुस के कुंडी करके हम सबको मारेंगे तो हम कहां जाएंगे सर, पूरा पूरा रूम बंद है, इसके जो विंडोज है पूरे लोहे के हैं, हम विंडो से भी बाहर नहीं निकल सकते, दरवाजा बंद करके भी हमें पीट सकते हैं। और दूसरा मसला ये है सर, क्या डिमांड है सर को, जब आप लोगों की डिमांड क्या है, डिमांड क्या है? हमने जब एमडी सर से कहा कि आप एफआईआर कॉपी दिखाएं, हम तो शांत करके बैठेंगे, एमडी सर बोल रहे हैं अभी मैं कहां से पेट से निकालूं एफआईआर कॉपी, और जब अगर आप चुप करके नहीं बैठोगे, शांत से नहीं बैठोगे तो मैं अपने आप पे उतर आऊंगा, फिर ये नहीं होगा। तो ये सर, ये सारा जो मैंने अभी आपको डिटेल में हुआ यही सब हमारे साथ हुआ सर। आपने देख लिया, ये तमाम तालिबे इल्म जो हैं ये पंजाब से थे और वहां पे बड़ी मार पिटाई हुई है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मारा पीटा है, इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इनके ऊपर जुल्म हुआ है, और ये वो तमाम तालिबे इल्म हैं जो वहां पे अपनी जो है वो तालीम हासिल करने गए थे। बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हर बार हमारे जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों पर जुल्म होता है, इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की जो है वो खामोशी अख्तियार करती है और जम्मू कश्मीर वालों को ऐसे ही मारा जाता है, ऐसे ही पीटा जाता है और कोई भी जो है वो बात नहीं करता है, किसी को भी टस से मस नहीं होता है। ये बड़े अफसोस और बड़े दर्दनाक खबर है कि पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों पर जुल्म हो रहा है और किसी भी तालिबे इल्म की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार नहीं है। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।